बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस उम्मीद के साथ क्या आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनियावी मुश्किलें जो है वो आसान फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए। और आज हम बना रहे हैं दाल टिंडी की एक मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत लजीज है और बहुत ही कम अज्जा इसमें इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी जो है किस तरह तैयार होगी और उसके लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे में जला लेंगे आग। चूल्हे में आग जल गई और हांडी को रखते हैं चूल्हे पे। बिस्मिल्लाह। हांडी में डाल लेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे और ऑयल के गर्म होने तक काट लेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। ऑयल गर्म हो गया, ऑयल के साथ हांडी में डाल लेते हैं प्याज। बिस्मिल्लाह। अभी काट लेंगे टमाटर। प्याज को नरम होने तक पका लेंगे। प्याज को नरम होने तक पका लिया और अभी प्याज के साथ हांडी में डाल लेते हैं टमाटर। टमाटर को भी नरम होने तक पकाएंगे। टमाटर के नरम होने तक कूट लेंगे अदरक और लहसुन। टमाटर को भी नरम होने तक पका लिया और अभी पानी में डाल लेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और साथ ही हम डाल लेंगे हांडी में बाकी मसाला जात, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। बस यही चार से मसाला जात जो है वो इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल होंगे। मसाले को भूनने के लिए मसाले के साथ हांडी में डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद अभी मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे और जब तक मसाला हमारा ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे तब तक हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। मसाले के तैयार होने तक हम साथ साथ काट लेंगे टिंडियाँ। टिंडी जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और नरम सी, कोली सी, इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे बारीक बारीक काट लें। मसाला हमारा तैयार हो गया, मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अभी मसाले के साथ थाली में डाल लेते हैं टिंडी की सब्ज़ी। साथ साथ पकाते जाएंगे और साथ साथ बाकी टिंडियाँ जो है वो भी हम काट के इसमें डालते जाएंगे। हांडी में टिंडी की सब्ज़ी डालने के बाद अभी इसे मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। टिंडी को मसाले के साथ अच्छी तरह भून लिया और टिंडी की सब्ज़ी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अभी हम हांडी में डाल लेंगे टिंडी के साथ दाल। बिस्मिल्लाह।
हांडी में दाल डालने के बाद अभी अच्छी तरह मिला लेंगे। दाल और सब्जी को मिलाने के बाद अभी हांडी को ऊपर से डाम देंगे और अभी दाल के गलने तक इसे डाम के पकाएंगे। अभी हम काट लेंगे हरी मिर्च। दाल टिंडी की सब्जी को थोड़ी देर के लिए डाम के पका लिया और अभी ढक्कन खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। और इसमें चम्मच जो है वो भी चला लेंगे ताकि दाल और सब्ज़ी जो है वो नीचे ना लगे। और माशाल्लाह दाल भी हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है, थोड़ी देर के लिए इसे मज़ीद पकाएंगे। साथ ही हम हांडी में डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद फिर से एक दफ़ा हला लेंगे। दाल टिंडी की सब्ज़ी में पानी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अभी चम्मच जो है मसलसल चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। दाल टिंडी की सब्ज़ी को थोड़ी देर के लिए पका ली है और माशाल्लाह हमारी दाल टिंडी की सब्ज़ी जो है ज़बरदस्त तैयार हो गई है। और अभी हम हांडी को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे और इसको हम काट लेंगे। हरा धनिया हम थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे ताकि सब्ज़ी के ऊपर खूबसूरत सा नज़र आए। और अभी हम हांडी में डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और कुटा हुआ मिक्स गरम मसाला। हांडी को ऊपर से डाम देंगे। थोड़ी देर डामने के बाद अभी मसाले और धनिए को दाल टिंडी की सब्ज़ी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दाल टिंडी की सब्ज़ी की खुशबू जो है बहुत ही मज़े की आ रही है। बिस्मिल्लाह। अभी हम आपको दाल टिंडी की सब्ज़ी जो है वो प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह ये हमारी दाल टिंडी की सब्ज़ी जो है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। आप भी हमारे तरीके को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा। और खाने के लिए पेश करने से पहले प्लेट के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हाँ जी अब जी दाल टिंडी की सब्जी कैसी तैयार हुई? माशाल्लाह बहुत मजा आया। हाँ जी बेटा जी दाल टिंडी की सब्जी का मजा आया? हाँ जी अब जी बहुत मजा आया। मुझे बेटे पे मजा आया? जी बहुत मजा आया। तो माशाल्लाह ये हमारी दाल टिंडी की सब्जी जो बहुत ही जबरदस्त तैयार हुई। उम्मीद आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।